हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीबीएसईटी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो होगा अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। अगर मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप साइंस की बुक देखोगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर अपना केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन ही होगा। अगर आप रेफरेंस भी बुक लोगे तो उसमें भी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यही है। अगर हम इस चैप्टर की पहले बात करें तो याद रखिएगा, हम अब से इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी टू द लाइन चलेगा। क्लियर इतनी बात? देखें, मेरी बात समझो, हम इसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझाएंगे, साथ ही साथ उसका एडिशनल उसमें जो भी इनपुट्स देना होगा उसको भी हम बताएंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपकी साइंस की बुक आपको ओपन करनी है, मैं सारा सिंप्लीफाइड वे में समझा दूंगा। क्लियर इतनी बात? चलो, ये किस किस स्टूडेंट्स को फायदा देगा, आपके हाल फिलहाल में बोर्ड्स आने वाले हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको कम टाइम में हम इलेबोरेट करके खत्म कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। देखो, पहली बात समझना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन सिंपल से बात करूं तो होता क्या, सिंपल टर्म्स में फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की तो याद रखना, केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन सिंपली है कि ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मतलब समझिए, कभी भी कोई रिएक्शन अगर फॉर्म हुई है तो कंफर्म है कि पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बने हैं। एग्जांपल आप देखिए इसका कैसे। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया किसका, हमने एग्जांपल लिया H2+O2 का। क्लियर इतनी बात? समझे, अब देखें आप ध्यान से, इसमें ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें दो H है, दो हाइड्रोजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है। जब ये मिले तो क्या बना, H2O। वैलेंसी में हम इसको वैलेंस कर लेंगे, वो बात अलग है। अब समझे आप बात को, मेरी बात समझिए, एक हाइपोथेटिकल रूप में मैं बताऊंगा, हाइपोथेटिकल रूप इन द सेंस कि समझाने के फॉर्म से समझना। मान लो एक हाइपोथेटिकल क्या है, कंपाउंड है, वो कंपाउंड बना किससे है, एक्स और वाई से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझिएगा बिल्कुल। अब कंपाउंड क्या होता है आपको पता है, कंपाउंड वो होता है जो दो एलिमेंट से मिलके बना हो। मान लो देखो CO2 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है ना, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। इतनी बात क्लियर है? चलो देखो, मान लो उसी तरह एक्स एक एलिमेंट है और वाई दूसरा एलिमेंट है, दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई है, तो मतलब ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड। ठीक, इनका रिएक्शन हो रहा है दूसरे कंपाउंड के साथ, जो दूसरा कंपाउंड है वो उसके बीच बॉन्ड है किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। इतनी बात क्लियर है क्या, ए और बी के बीच। ठीक है, अब समझो ध्यान से होता क्या है। अब होता यह है कि जब ना पुराने बॉन्ड, मतलब मैं क्या बोला, रिएक्शन पुराने बॉन्ड का टूटना, और पुराना बॉन्ड एक्स के साथ, पुराना बॉन्ड किसका है, वाई का, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ए के साथ किसका बॉन्ड है पुराना, बी के साथ। ठीक, अब एक्स और वाई एक दूसरे से उब चुके थे तो ये दोनों अलग हो गए और ये भी अलग हो गए, समझना। तो हुआ क्या, एक्स ने क्या किया, एक्स जो है अलग हुआ, एक्स अलग हुआ वाई से और अप्रोच किया किसको, ए को, और वाई अलग हुआ एक्स से तो अप्रोच किसको किया, बी को। देखो ना, अब समझना, एक्स अप्रोच किया ए को तो नया जो कंपाउंड वो बना वो एक्स और ए बना। एक्स और ए मिलके बनाए क्या, एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या है, वाई और बी, तो मैं कह दूं दूसरा कंपाउंड बना क्या, वाई बी। इतनी बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो? समझो, तो देखो ना, पहले देखो पुराना बॉन्ड किसके साथ था, एक्स का, वाई के साथ, एक्स वाई साथ थे, अब एक्स वाई साथ है क्या, नहीं, एक्स ए के साथ है और वाई बी के साथ है। मतलब देखो ना, पुराना बॉन्ड टूट गया और नया बॉन्ड बन गया नए के साथ, तो इसी को तो बोलते हैं रिएक्शन। याद रखना ये चीज, जो मैंने रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आपको हायर से हायर लेवल पे आप पढ़ोगे तब भी ये सिमिलर और सेम होगी। इतनी बात क्लियर है क्या? चल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेगा अपना।
चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी ना थोड़ा सा ना मतलब एक स्टोरी टाइप के, या फिर कह सकते हैं ये डेली लाइफ से रिलेट करके चीजों को देती है। देखो कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन, मतलब डेली लाइफ में जो जो चीजें होती है ना उसको कंसीडर करके आप देखिए कि होता क्या है। जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिन में दूध ना रूम टेम्परेचर पर जब छोड़ दिया जाए तब, एन आयरन तवा या फिर पैन या फिर नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर, ग्रास गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। समझियो, अब एनसीईआरटी कहती है कुछ चीजें है ना, आप इसको नोटिस करिए होता क्या है। जब दूध हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं मतलब काफी टाइम के लिए, फिर 24 घंटे के बाद तक लिए, दूध क्या होता है, फट जाता है। समझना, दूध फट जाता है, फट जाता है इन द सेंस कि मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिल्क जनरली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पनीर में। अब हुआ क्या, ध्यान समझना, जब भी कभी, अब क्या हुआ, दूध से पनीर का बनना, दूध से पनीर का बनना इज केमिकल रिएक्शन, इज अ केमिकल रिएक्शन, इज अ केमिकल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या, दूध से पनीर का बनना क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। एक बात और, केमिकल रिएक्शंस वर नेवर बी रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जैसे ये रिएक्शन देखो, दूध से मिल्क से पनीर बन गया, लेकिन पनीर से वापस दूध नहीं बनेगा। क्लियर इतनी बात, तो ये क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। इसी तरह देखो, आयरन तवा को अगर जब एक्सपोज कर देते हैं ह्यूमिडिटी में, आयरन तवा याद रखना, आप अपने घर में जरूर देखें, जब भी मम्मी तवा धुल के रखती ना, उसमें जब धुल के रख देती है ऐसे खड़ा रख दीजिए, तो उस तवे में थोड़ा पानी रह जाता है, तो बाद में जब रोटी बनने चलती ना, देखो वहां पे हल्का सा क्या होता है, ब्राउनिश स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे बोलते हैं रस्टिंग। वही कह रहा है कि जब आयरन का, लोहे का तवा एक्सपोज रहेगा तो क्या होता है, उस लोहे के तवे में क्या होने लगती है, उस लोहे के तवे में रस्टिंग होने लगता है। रस्टिंग मतलब जंग का लगना, रस्टिंग। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चल के हम इस रस्टिंग का ना, ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। क्या है, एक तरह का ये केमिकल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या, चलो आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रस्टिंग का हम आपको क्या बताएंगे, एक इक्वेशन। अच्छा, जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, मैंने बता दिया केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन भी एक चैप्टर का नाम, तो इक्वेशन भी ना, इक्वेशन क्या होती है समझो ध्यान से। मान लो कोई रिएक्शन थी C+O2 मिलकर बनाया CO2, तो यह जो रिएक्शन को हमने शो किया है, किसी भी रिएक्शन को whether it will be the physical reaction or chemical reaction, if you show it with this type of structure or this type of statement, it is called the equation. क्या बोलेंगे इसको, equation. So क्या बोलेंगे हम, it is a equation. ये क्या है, ये एक तरह का equation ही तो है। इतनी बात clear है क्या, चलो इसी तरह देखो, grapes का ferment होना मतलब by the process of fermentation, अंगूर फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद अंगूर क्या करता है, फर्मेंट होने के बाद अंगूर जो होते हैं वो कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में। अरे दारू, क्लियर है क्या, चल उसी तरह देखो, जब फूड इज कुक्ड मतलब जब खाना पकाया जाता है, खाना मान लो आप पालक वालक बना रहे हो, सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आप बायो तो पढ़े ही होंगे, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं मतलब उनमें क्या होता है, सेल्युलोजिक कंटेंट होता है। सेल्युलोज एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है, पॉली मतलब ढेर सारा, सेक्राइड मतलब सुगर की चेन, मतलब ढेर सारे सुगर की चेन है, मतलब ढेर सारा चीज है, तो कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, उसको डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सेल्स तो मोनोसेक्राइड में फॉर्म करती है लेती है, तो उसको तोड़ना, तो जब हम खाना पकाते हैं ना तो वो पॉलीसेक्राइड भी टूटती है, वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर। देन फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना का डाइजेशन होना, मैं इसके पहले बायो ही पढ़ाया था सारी चीज, तो वहां पे जो हमने बताया था ना, डाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ
क्लियर है। अब देखो फूड गेट डाइजेस्टेड, ये चीज मैंने बता दिया है बायो जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था ना कि फूड का डाइजेशन होना थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू जो फूड का डाइजेशन होता है, क्लियर इतनी बात समझो, वो भी एक तरह का क्या है केमिकल रिएक्शन। और ये देखो आगे वी रिस्पायर, हम जो एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं वो भी तो एक तरह का क्या है केमिकल रिएक्शन ही तो है, क्यों, क्योंकि उसमें भी क्या होता है O2 का लेना CO2 का एक्सपेल आउट कर देना, इतनी बात क्लियर है क्या। चलो अब देखो एक एनसीईआरटी एक्सप्लेन क्या कर रही है सभी चीजों को, देखो बाय द अबव सिचुएशन, देखो क्या कर रहा है, इन ऑल द अबव सिचुएशन, ऊपर की सारी घटनाएं जो हमने पढ़ी उसमें द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड, मतलब देखो ध्यान से कह रहा है ऊपर की जो सिचुएशन हमने पढ़ी किसका, दूध से पनीर बनना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होके क्या अल्कोहल का बनना, ये सब क्या है समझो, रस्टिंग का हमने जो पढ़ा वो सब क्या हुआ, देखो द नेचुरल एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल, मतलब जो नेचुरल पहले से था उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो नेचुरल पहले से आइडेंटिटी थी इनिशियल मतलब पहले सब्सटेंस की, हैव सम व्हाट चेंज्ड, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा उसकी पहले जो नेचुरल आइडेंटिटी थी बाद में उसकी आइडेंटिटी कुछ ना कुछ चेंज हो गई है ना, देखो सम व्हाट चेंज्ड, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन द प्रीवियस चैप्टर। अच्छा ये क्या कह रहा है, प्रीवियस चैप्टर कहने का मतलब समझो नाइन्थ क्लास मैटर अराउंड अस, याद है उसके लिए कह रहा है, क्लियर है क्या, वहां पे हम फिजिकल और केमिकल को अलग अलग कर दिए थे याद है, एटम मॉलिक्यूल्स ये सब, व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज होता है वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, याद रखना ध्यान से ये टर्म, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बात क्लियर है क्या, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे देखो जब भी कभी केमिकल चेंज आ जाए, देखो व्हेनेवर ए केमिकल चेंज अकर, जब भी केमिकल चेंज हो जाए वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल चेंज ऐसा चेंज जब कोई चीज वापस उस अवस्था में ना आ पाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, जैसे दूध से पनीर का बनना क्या है केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि वापस पनीर से दूध नहीं बन पाएगा, मतलब इट मींस द रिएक्शन द चेंज इन केमिकल बाय द रिएक्शन, और वी कैन से दैट द रिएक्शन विच इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो दैट इज ओनली कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, इतनी बात क्लियर है सभी को समझो, कह रहा है यू मे परहैप्स वी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन, हमने देखा कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर उसका मायने क्या है समझो, हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी, याद रखना एक बात ध्यान से, सारी एक्टिविटीज के लिए मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, फिर भी यहां भी मैं एक स्लाइटली जल्दी से पढ़ा रहा हूं समझना, बट सारे एक्टिविटीज में एक सेपरेट क्लास लेके पढ़ा दूंगा, इतनी बात क्लियर है क्या। चलो देखो एक्टिविटी कह क्या रही है ध्यान समझो, एक्टिविटी 1.1 कॉशन, ये चीज जरूर याद रखना बच्चों, कॉशन क्यों दिया कि मतलब इसको ना क्या करो आप थोड़ा सा इसको ना मतलब किसी की निगरानी में या फिर ध्यान पूर्वक करें, देखो दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस, मतलब ये हमेशा जब भी आप करिएगा किसी ना किसी टीचर या फिर किसी एक्सपीरियंस आदमी या फिर किसी भी एक्सपीरियंस बंदे के प्रेजेंस में करिएगा, क्लियर है क्या। देखो क्या कह रहा है, इट वुड बेटर इफ स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लास, ध्यान समझना, अब आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है ना, आप याद रखिए आपका केमिस्ट्री लैब जब होता है तो आपका एक लैब में जाने के लिए लैब कोट होती है जिसको एप्रन भी बोलते हैं, लैब कोट हो और रिएक्शंस की एक ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होती हैं, ये सब वो सारी जगह ये काम आती हैं, आप याद रखिएगा हम ये चीज करवाएंगे भी। देखो क्या कह रहा है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो ये वाली एक्सपेरिमेंट क्या ही है ये एक्टिविटी हमने भी क्लास टेंथ में कर रखी थी, एकलौती एक्टिविटी जो स्कूल में हमारी हुई थी। चलो देखो क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन होगी जो कि थोड़ा सा ग्रेस कलर की होगी, अबाउट 3 to 4
सेंटीमीटर लॉन्ग की होगी, रबर इट विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको घिस दो, समझो, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोन्स, समझना ये क्या है, ये जो है ना इसको बोलते हैं टोंग्स, समझना ये इक्विपमेंट होता है, समझो, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट, स्पिरिट के थ्रू इसको बर्न करो, स्पिरिट लैम्प के थ्रू, और बर्नर किसी भी चीज से इसको जलाओ, ठीक है, कलेक्ट द एश फॉर्म्ड इन द फॉर्म्ड एंड वॉच इन ए वॉच ग्लास, वॉच ग्लास क्या होती है, एज ए या फिर टेस्ट ट्यूब ले लो या फिर ऐसी कोई चीज जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उसमें इसका जो राख बनेगा ना एश उसको कलेक्ट करो, जैसा कि 1.1 फिगर दिखा रहा है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व आप क्या करोगे हम बताते हैं, समझो होता क्या है, जब आप मैग्नीशियम की रिबन को जलाओगे ना, ये क्या है मैग्नीशियम की रिबन, मैग्नीशियम किससे शो करते हैं Mg, ठीक है, इसका सिंबल होता है, क्लियर है क्या तो ये मैग्नीशियम जब जलेगी ना, तो ये मैग्नीशियम जैसे जलेगी तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी, मैग्नीशियम पहले Mg था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलेगा तो ये मैग्नीशियम कंबाइन होगा ना किसके साथ, O2 के साथ, तो जब मैग्नीशियम O2 के साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलेगा, जला क्यों, क्योंकि एयर का प्रेजेंस मिला, एयर का प्रेजेंस क्यों, मतलब उसमें ऑक्सीजन थी इसलिए वो जला, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो मैग्नीशियम क्या बनाया, मैग्नीशियम बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO, इतनी बात क्लियर है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलो इतनी बात क्लियर है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, देखो ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास मतलब जिसमें आप कलेक्ट करो उसके ऐश को, और ये बर्नर होल्ड किया, इतनी बात क्लियर है क्या, चलो अब देखो होता क्या है, जब मैग्नीशियम जल गई इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई तो बन गई क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतनी बात क्लियर है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना, अब समझो एक और एक्टिविटी है, इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इसी एक्टिविटी को हम प्रॉपर परफॉर्म कर लेते हैं ना, पूरा देख लेते हैं, चलो हुआ क्या, अब हुआ क्या, मैग्नीशियम, अच्छा आप समझो ये बना कैसे, मैग्नीशियम पे होता है कैसा प्लस टू चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज माइनस टू होता है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है माइनस टू, ओ सॉरी, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज माइनस टू, समझो अब आप लोग तो जानते ही ना इसको क्रॉस किया जाता है बिल्कुल ऐसा, तो ये क्या बन गया अपना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि ये एयर में जला, अब ये जो ऐश थी ना वो ऐश अपनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, ठीक है, अब इसी राख को हम क्या करेंगे, अगर इसी राख को हम डाल देंगे किसमें, पानी में, बोले तो H2O में, H2O में अगर हम डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, H2O में क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, क्लियर है क्या, अब देखो आप ये हुआ क्या, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही तो है, क्यों, क्योंकि इसने अपना स्टेट तो चेंज किया ही, डजंट मैटर, अपना फॉर्म ही चेंज कर लिया ना, पानी में देखो मिल गया मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड, जला तभी बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है सभी को, चलो इतनी बात क्लियर है, चलो अब देखो क्या कह रहा है, एक और एक्टिविटी अपने पास, अच्छा देख लो इसके क्या क्या इसमें हुआ था, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने क्या क्या नोटिस किया होगा, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मतलब थोड़ा भड़कीली सी, मतलब कि अच्छी अच्छी व्हाइट, इसका जो फ्लेम मतलब इसकी जो लौ थी वो व्हाइट कलर की थी, ठीक है, एंड चेंजेस इंटू व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर जो हमारा क्या था कलेक्टिंग चेंबर था, मतलब कि वॉच ग्लास, उसमें क्या मिला अपने को, व्हाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है क्या, ये पाउडर क्या है, ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड यही तो है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बता दिया क्या है MgO, इतनी बात क्लियर है, और कैसे बना ये भी मैंने बता दिया, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम
एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यही चीज मैं बता दिया अभी, इतनी बातें क्लियर है क्या? चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 देखेंगे, देन उसके बाद 1.3 वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 1.2 देख लेते हैं क्या है ना। देखो टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लो। लेड नाइट्रेट क्या होता है ध्यान समझें, लेड नाइट्रेट लेड का सिंबल होता है पीबी, नाइट्रेट होता है अपना NO2, पीबी NO2 क्लियर है क्या? लेड नाइट्रेट समझो क्या है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, ऐड करेंगे उसमें क्या पोटेशियम आयोडाइड बोले तो KI, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे उसमें। और अच्छा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब इन दोनों का रिएक्शन करवा दो, ऑब्जर्व क्या करना, जो रिएक्शन होगा वही बनेगा, मतलब ये बनेगा क्या, देखो लेड नाइट्राइट है। अच्छा पहले इसका इक्विपमेंट देख लेते हैं क्या क्या इसने यूज किया इसमें। चल देखो अपने को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें क्या होगा अपना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना ये एसिड हार्म है, मतलब कि बहुत डेंजरस एसिड है, इसलिए इसको डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं। डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है, डाइल्यूट फॉर्म वो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो एसिड कम हो। H2SO4 लिया डाइल्यूट, H2SO4 इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इतनी बात क्लियर है क्या? और क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स लिया, जिंक क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से समझो, एक कोनिकल ग्लास लिया या फिर बोल रहे कोनिकल फ्लास्क लिया, अब देखना ध्यान से, जब ये रिएक्शन एसिड और जिंक जब रिएक्ट करा तो H2 गैस वो आप ऊपर निकली, H2 गैस ऊपर निकले पूरी तरह से ना निकले, इसलिए हमने लगाया क्या कॉर्क लगाया, ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब इसमें डाल दिया ताकि ऊपर हमें एब्जॉर्ब हो, मतलब ऑब्जर्व हो कि H2 गैस निकल रही है कैसे, ध्यान से समझें ये बात, बिल्कुल ध्यान समझना बिल्कुल। देखो आज के बाद आप एक बात याद रखना, जब भी कभी एसिड यानी कि कोई भी एसिड H2SO4 मान लो रिएक्ट करा किसके साथ, जिंक के साथ, जब भी कभी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो समझना सॉल्ट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा आपको, मतलब इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा जिंक के साथ रिएक्ट हुआ H2SO4 तो ये बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा और निकलेगा क्या बाई प्रोडक्ट H2। आज से ये बात हमेशा नोट करने वाली है, मैं बता रहा हूं कि जब भी कभी किसी मेटल की रिएक्शन होगी किसी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होगी ही होगी, हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी, इसका भी एक्सेप्शन है 2 के साथ, याद रखना मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को छोड़ के इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो H2 गैस नहीं निकलेगी, बाकी कभी भी कोई भी मेटल रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ तो हमेशा क्या निकलेगा H2 गैस निकलेगा ही निकलेगा, इतनी बात क्लियर है क्या? चलो देखो अब H2 गैस, अब ये मान लो कोई गैस हमें पहले पता नहीं कि कौन सी गैस निकल रही है, ठीक, अब आप H2 गैस के सामने जैसे ही निकल रही ना यहां पे मैच स्टिक लाओगे, मतलब आग जला के मतलब माचिस जलाओगे यहां पे ना तो एक मतलब कि पॉपअप की आवाज आएगी, पट 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 बोलेगा, अगर पॉपअप साउंड आए तो समझ लेना कि H2 गैस ही निकल रही है, इतनी बात क्लियर है क्या? तो आज के चैप्टर में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कौन कौन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, साथ ही साथ हमने 2 एक्टिविटी देखी, एक्टिविटी 1.1 और 1.2, इतनी बात क्लियर है क्या? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू सो मच।